ये देख रहे हैं, ये भी लोकल लोग हैं। हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे, जय माँ गंगे। अभी सुबह के 9:30 हुए हैं और आप तारीख की बात कहेंगे तो 3 सितंबर है और हम आप सबको लाइव दर्शन कराने के लिए हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड घाट आ चुके हैं। देख रहे हैं दोनों किनारों में टीला बना हुआ है। इस किनारे पर जो लोग स्नान कर रहे हैं बिल्कुल घुटने से नीचे जल है, जबकि आप पुरानी वीडियो हमारे देखेंगे तो आपको वहाँ पर सीने इतना जल मिलेगा, वैसे ही आपको उधर भी देखने को मिलेगा। काफ़ी मात्रा में माँ गंगा की जल की धारा के साथ रेत मिट्टी आ रहे हैं। आज और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है रेत मिट्टी की संख्या और यहाँ पे रेत यही खास तौर पर यहाँ पे जम जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे हरिद्वार यात्रा से जुड़ी। आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हरिद्वार में बारिश तो नहीं हो रहा है लेकिन अभी एकदम तेज़ जलने वाली धूप हो रही, अच्छी खासी तेज धूप हो रही है। आप जब हरिद्वार आएंगे तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, खास तौर पर यहाँ पे मौसम की। और मौसम के साथ साथ आप अगर हरिद्वार में आ रहे हैं तो रूम होटल की बुकिंग कहाँ पे कराएंगे, पार्किंग की सुविधा कहाँ पे अच्छी मिलेगी रूम के साथ ही, ये भी हम आपको बताएंगे। और रही बात यात्रा खासतौर पर बाढ़ का, वो हम बताएंगे कि अभी बाढ़ का क्या सिचुएशन है हरिद्वार में। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, हरिद्वार में बाढ़ का कोई सीन नहीं होता, जो भी सीन होता है वो नीलधारा में देखने को मिलता है। जब पहाड़ों में जो जल है वही देख आता है तो वही जल यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। बाकी हरिद्वार की यात्रा आप कर सकते हैं, भीड़ आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। और ये है जूता स्टैंड, ब्रह्मकुंड की ओर भीड़ ज़्यादा हो रहा है अभी, ये ब्रह्मकुंड जाने का मार्ग है। देख रहे हैं ये है, यहाँ पे लोगों ने चप्पल जूता रख दिया है बाहर। यहाँ पे ये क्या है, माँ भागीरथ व्यापार मंडल हर की पौड़ी, कोरिडोर भगाओ व्यापार बचाओ, जनक रोष महासभा, 4 सितंबर दिन बुधवार 3 बजे इनका हड़ताल है। साथ यहाँ पे कोरिडोर का जो काम है वो शुरू होने को है, उसके वजह से ये हड़ताल करेंगे। देख रहे हैं ये है अपर रोड मार्ग, इस मार्ग में आपको रहने खाने और माँ मनसा देवी में आप दर्शन करने जाना चाह रहे हैं तो इसी मार्ग से होके जाएंगे। और खासतौर पर आप कहीं से भी आएंगे, रेलवे स्टेशन आएंगे तो रेलवे स्टेशन से आने का मार्ग यही है। और मेन मार्केट होने की वजह से आवाजाही कुछ ज़्यादा ही होता है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। थोड़ा सा भीड़ हो तो इस रास्ते को बंद कर देते हैं पैदल यात्रियों के लिए नहीं, केवल ई रिक्शे के लिए। और इधर की बात कहें, ये अपर रोड मार्ग है, अपर रोड में अभी लेके जाएंगे हम आपको। और देख रहे हैं काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे पुलिस चौकी बन के तैयार लगभग अब हो ही चुका है। देख रहे हैं काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है, अंदर भी फैसिलिटी वैसी होगी। चलते हैं आगे का दृश्य भी दिखाते हैं। ये है अपर रोड मार्केट का, तो हमने दिखा दिया, ये है भीमगढ़ वाला मार्ग। इधर से लोगों की संख्या देख रहे कितने सारे आ रहे हैं, क्योंकि इधर आपको रहने के साथ साथ पार्किंग की भी सुविधा मिल जाता है, तो लोग अपनी गाड़ी का पार्किंग का जो चार्ज है वो बचा लेते हैं और अच्छी खासी सेवा भी मिलता है। यहाँ पे भीड़ कम होता है, मार्केट भी अच्छा है और ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती चलने में भी। अगर रास्ते बंद भी कर देते हैं तो 300 मीटर चलना पड़ेगा और आराम से आ सकते हैं। वो वाले मार्ग में भीड़ क्यों होता है वो हमने आपको बता दिया, आप बस पहुँचने वाले हैं। अगर आपको इधर से जाना है तो आपको यहीं पे उतार देंगे रिक्शे वाले, अगर आपको आगे जाना है तो आगे भी रिक्शा रखा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। अब यहाँ से जो व्यू आएगा हर की बड़े ब्रह्मकुंड का वो अद्भुत आएगा। ये देख रहे हैं ये है प्रमुख घाट हर की पैड़ी, जहाँ पे लोग आते हैं स्नान करते हैं। घाट यहाँ से खाली खाली सा नजर आ रहा है, आज देख रहे हैं आप पूरे लगभग घाट खाली खाली सा है। ऐसे नज़दीक से जाके देखें तो आपने देखा होगा वहाँ पे भीड़ है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई से हम देख रहे हैं। और देख रहे हैं वहाँ पे लोग, एक लड़का है जो कि आराम से चलते हुए गंगा जी को पार कर रहा है, वो लोकल है भाई। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम भी कर दें, लेकिन ऐसा आप ना करें, काफ़ी
लोग ऐसा करते हैं, वो काफी लोगों को चोट लग जाता है, काफी लोग कर भी लेते हैं। देख रहे हैं ये वाली जो मार्ग है, ये पंजीब पार्किंग की ओर गया, काफी लोग पंजीब पार्किंग से भी आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, काफी तेज धूप और ज्यादा बढ़ चुकी है। देख रहे हैं अभी हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, यहाँ पे आपको जूता स्टैंड मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे जूता स्टैंड है, एक जूता स्टैंड इधर भी है, दिखाते हैं अभी आपको। यहाँ पे चप्पल जूता रख के आप इधर ब्रह्मकुंड की ओर प्रवेश कर सकते हैं। देख रहे हैं इस तरह की प्रवेश द्वार है यहाँ पे, ये लोग जा रहे हैं। ये वो चेंजिंग रूम है जिसकी बात मैं ऊपर से कर रहा था। देख रहे हैं ये है पूरा ब्रह्मकुंड, ये ब्रह्मकुंड वाली एरिया है, भीड़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है जब कोई बड़ा स्नान होता है। तो आपने कल का वीडियो देखी होगी हमारी, ये देखिए तो देख लेना कितना ज्यादा भीड़ था, वहां पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था। ये जूता स्टैंड यहाँ पे, ये जो यहाँ पे तैराकी कर रहे हैं लोग, ये यहाँ के लोकल लोग हैं। ये जूता स्टॉल यहाँ पे, भीड़ नहीं है तो बंद है ये, जब भीड़ होता तो खुल जाता है। ये है मालवी घाट, यहाँ पे काफी सारे चेंजिंग रूम बने हुए, देख रहे हैं काफी सारे चमकते हुए चेंजिंग रूम बने हुए हैं। भीड़ यहाँ पे ज्यादा होता है माता और बहनों का, और यहाँ पे 108 फीट ऊंची मूर्ति है भगवान शिव की। देख रहे हैं काफ़ी ऊंची मूर्ति है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के लिए इधर से भी जा सकते हैं पंजी पार्किंग होते हुए, और इधर से भी जा सकते हैं हाईवे से होके। हाईवे से जाएंगे तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, या फिर अपनी कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। इधर से जाएंगे तो मात्र 5 मिनट लगेगा आपको, काफ़ी नज़दीक है इधर से जाएंगे तो। यहाँ से माँ चंडी देवी की मूर्ति दर्शन आप कर सकते हैं, मंदिर यहाँ से दिखाई देगा। माँ चंडी देवी की लेटेस्ट वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, देख रहे हैं यहाँ से चोटी आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद ना दिखाई दे, देख रहे हैं। मसा देवी चंडी देवी का कम्बो टिकट मिलता है, तो आप कम्बो टिकट रोपवे से भी जा सकते हैं अगर आप रोपवे से जाना चाह रहे हैं तो। ये हम आ चुके हैं बिल्कुल दूसरा किनारा पे, यहाँ से घाट खाली खाली सा नज़र आ रहा है। जो भीड़ है वो हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड वाली एरिया पे है, बाकी जो घाटों पे उसमें नॉर्मल संख्या है। देख रहे हैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।